परफेक्ट टेक। दोस्तों आज भी लेके आ गया मेरी आज की टेक और रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट्स को लेके। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं निकल के आ रहा है पहला अपडेट रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 11 प्रो। दोस्तों इसको टीज कर दिया गया इंडिया में और ये लॉन्च हो सकता है मार्च में। दोस्तों जो डेट्स निकल के आ रही है आपको बता दूं 8 से लेके 10th मार्च के बीच में कहीं भी लॉन्च हो सकता है। देखते हैं दोस्तों कैसा निकल के आता है, काफी अच्छा फोन होने वाला है तो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर जो iOS का एक नया बीटा वर्जन के अंदर एक नया अपडेट आया है व्हाट्सएप के लिए, और आपको बता दूं iOS यूजर्स के लिए जो कैमरा मीडिया है उस बार को थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, और ये अभी बीटा वर्जन के लिए आ रहा है तो अगर आप एक बीटा यूजर हो तो आपके पास आ जाएगा, और अगर नहीं हो तो जैसे ही स्टेबल रिलीज होगा आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों यामाहा की तरफ से नेक बैंड्स, ईयरफोन्स और हेडफोन्स दोस्तों ये लॉन्च किए गए हैं इंडिया में। आपको बता दूं इनका जो प्राइस स्टार्ट होता है 4,890 रुपीज से स्टार्ट होता है, लेकिन अलग अलग चीज के हिसाब से, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से इसका प्राइस डिफर करेगा। दोस्तों आप यामाहा की साइट पे जाके, जो वायरलेस के साइट है, जो उनकी TWS वगैरह की साइट है, वहां पे जाके आप चेक कर पाओगे, या फिर आप जो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स वगैरह है वहां पे जाके चेक कीजिएगा, आपको दोस्तों सारी डिटेल मिल जाएगी। काफी अच्छे हैं इनकी जो आपको साउंड क्वालिटी वगैरह मिलेगी, काफी जबरदस्त है। इसके अंदर आपको एंटी नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, और दोस्तों साथ में कुछ ना कुछ रेटिंग भी मिलेगी जो कि IP रेटिंग वगैरह होती है, तो आपको ये वाटर रेसिस्टेंट या फिर डस्ट रेसिस्टेंट में भी आपको कुछ ना कुछ रेटिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों एक बार चेक कर लीजिएगा, काफी अच्छे हैं। और दोस्तों फेसबुक की तरफ से एक अगला बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। दोस्तों फेसबुक जो है उन्होंने रील्स को, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर टिकटॉक के ऊपर रील्स चलती थी, उनको लॉन्च कर दिया ग्लोबली 150 कंट्रीज के अंदर। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि रील वगैरह वहां पे पहले से चलती है, दोस्तों शॉर्ट वीडियोस होती हैं, लेकिन अभी जो है ये कुछ अलग सा हो जाएगा। बेसिकली अब जो क्रिएटर्स हैं उनको इसके लिए पे किया जाएगा अगर उनका जो रील है वो ज्यादा चलती है, और इसके साथ में आपको बता दूं उनकी जो रील्स हैं उनके ऊपर कुछ एडवर्टीजमेंट्स वगैरह को भी शो किया जाएगा, फुल स्क्रीन एडवर्टीजमेंट्स भी आ सकती हैं। यानी कि दोस्तों ये पूरा का पूरा एकदम इंस्टाग्राम के लीजिए पूरा का पूरा टिकटॉक बन जाएगा, वैसा ही हो जाएगा कुछ। और दोस्तों प्ले स्टेशन की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रहा है, यानी कि सोनी की तरफ से दोस्तों प्ले स्टेशन VR2 हेडसेट दोस्तों इनको टीज किया गया है। दोस्तों काफी जबरदस्त हेडसेट निकल के आ रहे हैं, दोस्तों ये लॉन्च किए जा सकते हैं इस साल या फिर अगले साल तक। दोस्तों आप देख सकते हो काफी अच्छे लग रहे हैं दिखने में। इनके अंदर उन्होंने कहा है कि जो ग्लासेस है उनको थोड़ा अलग से लगाया है ताकि आपकी जो फॉग है, जो मुंह से भाप वगैरह निकलती है, वो उसको अफेक्ट ना करे, आपको खेलते हो उसमें भाफ ना जम जाए। और दोस्तों काफी जबरदस्त इनका डिजाइन रहने वाला है, और ये हेडसेट है बेसिकली VR हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी, तो PS में ये एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। और दोस्तों ये जो अपग्रेड है ये आपको 4K वीडियो क्वालिटी देगा और काफी ज्यादा अच्छी रियलिटी ऑप्शन मिलेंगी इसके अंदर। दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है इसके अंदर। और दोस्तों फाइनली मोटरोला H30 प्रो ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है 24th February को, यानी कि कल। देखते हैं दोस्तों, आपको बता दूं इसका जो प्राइस है, कल निकल के आया था कि ये चीपेस्ट फोन होने वाला है 50,000 रुपीज के ऊपर, 49999 के ऊपर। देखते हैं दोस्तों, वैसे 8 Gen 1 के ऊपर आएगा और काफी अच्छी स्पेक्स के साथ में आएगा, तो देखते हैं दोस्तों कि कैसा निकल के आता है। और दोस्तों नॉइस की तरफ से उनके बड्स VS202 ये इंडिया में लॉन्च किए हैं उन्होंने आज। आपको बता दूं इनका इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है 1199 का, यानी कि 1200 रुपीज। और दोस्तों आपको बता दूं ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद इसका ओरिजिनल प्राइस जो आपको मिलेगा 3499 रुपीज का। अब दोस्तों इसके अंदर आपको 24 आवर्स की बैकअप मिल जाता है, उन्होंने कहा है कि ये एक बार फुल चार्ज करने में केस के साथ में आपको 24 आवर्स का बैकअप दे देते हैं। और दोस्तों ये आते हैं IPX4 की रेटिंग के साथ में, यानी कि वाटर रेसिस्टेंट। और दोस्तों इसी के साथ में आपको बता दूं इनके अंदर जो आपको कनेक्टिविटी मिलती है वो मिलती है ब्लूटूथ 5.3 की। और दोस्तों सैमसंग की तरफ से उनका एक फोन आने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी A03। आपको बता दूं इसका कुछ प्राइस लीक हुआ रहा, इसके ऊपर यूनिसॉक का प्रोसेसर आ सकता है, शायद यूनिसॉक T606 हो सकता है। अभी आपको बताऊं इसके प्राइस की बात, तो ये प्राइस हो सकता है 10,499 रुपीज का 3GB 32GB वाले मॉडल के लिए। दोस्तों थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा कम आना चाहिए, बाकी देखते हैं, अभी तो ये लीक्स है, हो सकता है चेंज हो जाए। और दोस्तों आज का सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है आईको की तरफ से, आईको की 9 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है फाइनली। दोस्तों आईको 9 प्रो और IQ9SE ये तीन मॉडल लॉन्च हुए इंडिया में। दोस्तों आपको बता दूं इनके प्राइसिंग बाद में बताऊंगा, प्राइसिंग अच्छे हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा IQ9SE की। दोस्तों ये फोन आता है 6.62 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले के साथ में। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज आपको बता देता हूं, इस सीरीज के अंदर तीनों के तीनों फोन आपको AMOLED स्क्रीन के साथ में मिलते हैं, 10 बिट की AMOLED स्क्रीन है दोस्तों, तो आपको कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छी मिलने वाली है।
अभी दोस्तों मैं बता दूं, जो SE वाला मॉडल है ये 888 के ऊपर आता है, यानी कि Qualcomm Snapdragon 888 सबसे छोटा मॉडल है दोस्तों, वही 888 के ऊपर आता है, तो बहुत जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है इसके अंदर। अब दोस्तों यहीं पे आपको बता दूं कैमरा सेटअप की बात करें तो ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप आता है 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का है, और दोस्तों बैटरी है 4500 mAh की, एंड्रॉइड 12 के ऊपर आते हैं, और 128GB की और 8GB की पहले वेरिएंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों प्राइसेस मैं कहूंगा आपको बाद में बताता हूं, बहुत जबरदस्त फोन निकल के आए हैं। और दोस्तों यहीं पे हम बात करते हैं iQOO 9 की, iQOO 9 भी बहुत जबरदस्त है दोस्तों, आपको बता दूं इसके अंदर आपको 6.56 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है, और दोस्तों ये सारी की सारी डिस्प्ले जो मैं आपको बता रहा हूं 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, तो काफी अच्छा रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाएगा इनके अंदर। दोस्तों ये आता है Qualcomm Snapdragon 888+ के ऊपर, यानी कि दोस्तों बहुत ही जबरदस्त फोन निकल के आया है, 888+ के ऊपर है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं इनके अंदर जो कैमरा सेटअप है 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप है, इसमें सिर्फ 13 वाला एक बड़ा है जो कि iQOO SE जो है 9 SE उसके अंदर एक 2 मेगापिक्सल का है छोटा है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का है, बैटरी 4700 mAh की है, एंड्रॉइड 12 के ऊपर रन होते हैं दोस्तों ये सारे के सारे फोन। और दोस्तों इनके अंदर आपको जो पहला वेरिएंट मिलता है 8GB 128GB का मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़े वाले मॉडल की, वो निकल गया है iQOO 9 Pro। दोस्तों इसके अंदर आपको मिल रहा है 6.78 इंच की फ्लैश प्लस एमोलेड डिस्प्ले 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में। दोस्तों ये फोन जो आता है सबसे बड़े प्रोसेसर के साथ में आता है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, यानी कि काफी ज्यादा पावरफुल। अब दोस्तों यहीं पे आपको बता दूं 16 मेगापिक्सल का फ्रंट रहेगा, यानी कि फ्रंट में सभी के 16 मेगापिक्सल का सेम कैमरा है, लेकिन इसमें आपको रियर साइड में मिलेगा 50 मेगापिक्सल और एक 16 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। और दोस्तों इसके अंदर आपको 8GB 256GB का पहला मॉडल मिलता है, इसके अंदर भी आपको एंड्रॉइड 12 मिलता है और 4700 mAh की बैटरी मिलती है, और दोस्तों ये फोन भी काफी जबरदस्त है। और दोस्तों अब बात करते हैं इनकी चार्जिंग स्पीड की, तो आपको बता दूं जो सबसे छोटे वाला मॉडल है iQOO 9 SE, दोस्तों इसके अंदर आपको 4200 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 66W का एक फास्ट चार्जर मिलता है। तो दोस्तों ये काफी अच्छी स्पीड है, आपकी जो बैटरी है वो एक घंटा आपको तो मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, एक घंटा उससे भी बहुत कम टाइम में ये फटाफट से चार्ज हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पे बात करते हैं हम लोग iQOO 9 की, तो मैंने आपको गलती से 4700 mAh बोल दिया उसमें बैटरी, तो इसके अंदर आपको मिलने वाली है 4350 mAh की बैटरी जो कि 120W के फास्ट चार्जर के साथ में आती है। तो दोस्तों चार्जिंग स्पीड अमेजिंग है। अब दोस्तों यहीं पे बात करते हैं हम लोग प्रो वाले मॉडल की, तो इसके अंदर 4700 mAh की बैटरी मिलने वाली आपको, लेकिन साथ में 120W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी वायर्ड, और वायरलेस में आपको मिलेगी 50W की। तो दोस्तों काफी अच्छी चार्जिंग स्पीड भी है और फोन भी काफी जबरदस्त है, दोस्तों फोन सच में काफी बड़े भी है। और दोस्तों बड़े होने के साथ में बता दूं इनका जो प्राइजेस निकल के आए हैं, जो सबसे छोटे वाला iQOO 9 SE है इसका प्राइस आपको पड़ेगा 33,990 का। अब 888 प्रोसेसर वो भी अंडर 34,000, तो बहुत सही फोन है। अब दोस्तों यहीं पे बात करते हैं हम 888+ की, यानी कि iQOO 9 की, तो ये आपको पड़ेगा 42,990 का। दोस्तों मैं कहूंगा ये भी काफी अच्छा प्राइस देके आया है। अब 8 Gen 1 के ऊपर जो iQOO 9 Pro आया है ये आपको पड़ेगा 64,990 का। दोस्तों ओवरऑल प्राइसेस की बात करूं या फिर इनके स्पेक्स की, तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। जो भी लोग इन्हें ट्राई करना चाहते हो इन्हें कर पाएंगे जल्दी ही, अभी ये प्री बुक के ऊपर या फिर प्री ऑर्डरिंग के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है सैमसंग यूजर्स की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। दोस्तों इसके जो रिफ्रेश रेट के अंदर कई लोगों ने इसको रिपोर्ट किया कि इसमें कुछ इश्यू है, हाई रिफ्रेश रेट के ऊपर भी डिस्प्ले जो है वो थोड़ी स्लो हो रही है। तो दोस्तों ये कुछ इश्यू निकल के आया, हो सकता है सॉफ्टवेयर बग के कारण ये कुछ हुआ हो, तो देखते हैं इसके ऊपर कोई नया अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है Redmi की तरफ से, Redmi 10A। दोस्तों इसके बारे में अपडेट निकल के आया है कि इसके अंदर आपको MediaTek Helio G25 प्रोसेसर मिल सकता है। आपको बता दूं इसके अंदर 13 मेगापिक्सल का रियर साइड में कैमरा होगा। अब दोस्तों ये नहीं आइडिया कि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा या डुअल कैमरा सेटअप होगा, देखते हैं, पर मेन वाला 13 मेगापिक्सल का होगा। और दोस्तों इसके अंदर कहा जा रहा है 12 आपको अलग अलग डिफरेंट कलर्स मिलने वाले देखने को। दोस्तों ये सच में काफी ज्यादा वाइड रेंज के कलर्स होंगे, मतलब इसमें ऑरेंज भी होगा, रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, ब्लू भी होगा, पर्पल भी होगा, व्हाइट भी होगा, ब्लैक भी होगा, पता नहीं दोस्तों कितने सारे होंगे, 12 अलग अलग कलर्स होंगे, काफी जबरदस्त है दोस्तों। और दोस्तों सैमसंग की तरफ से एक और अपडेट निकल के आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी M33। दोस्तों इसके अंदर जो है दो फोन आ सकते हैं, 4G वाला मॉडल और 5G वाला मॉडल। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों मॉडल मार्च में कहीं ना कहीं लॉन्च हो सकते हैं, कुछ ना कुछ टिप्सर्स ने कहा है कि मार्च के अंदर ये हो सकते हैं लॉन्च और ये इंडिया में भी साथ में आ जाएंगे। दोस्तों काफी अच्छी बात है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है जियो की तरफ से, और दोस्तों जियो जो है वो काफी बड़े प्लान लेके आया, आपको बता दूं
1499 रुपीज का और एक 4199 रुपीज का। अब दोस्तों दोनों प्लान में आपको मेन फर्क बता देता हूँ। जो 1499 रुपीज का प्लान है यानी कि 1500 रुपीज, वो आपको 84 डेज के लिए मिलेगा। इसके अंदर आपको 2GB डाटा पर डे मिलेगा, पर इसके अंदर आपको डिजी प्लस हॉटस्टार की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल रही है साथ में। और अगर मैं यही बात करूं 4199 वाले के लिए, तो ये 365 डेज के लिए, और इसके अंदर आपको जो प्रीमियम डिजनी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन तो मिलेगी, डेली में आपको डाटा मिलेगा 3GB का। इसके अंदर आप कोई भी डिवाइस के साथ अपना यूज कर सकते हो डिजनी प्लस हॉटस्टार की प्रीमियम वाली सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों काफी अच्छे प्लान है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हो इन्हें जल्दी ही कर पाएंगे। और दोस्तों पोको की तरफ से फाइनली पोको M4 Pro 5G इसकी डेट निकल के आ गई है सामने, 28th of February ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। फाइनली दोस्तों ये फोन आ रहा है और देखते हैं दोस्तों क्या कुछ लेके आता है नया। और दोस्तों रेडमी की तरफ से K50 इसकी जो इंडिया में प्राइसिंग है वो सामने निकल के आ गई है, 25,000 से लेके 30,000 के बीच में इसका प्राइस आ सकता है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि के सीरीज लेके आ जाएगा शाओमी या रेडमी इंडिया में, नहीं नहीं दोस्तों, इसका मतलब यह है कि शाओमी के अंडर या फिर पोको के अंडर कोई ना कोई फोन आएगा रीब्रांड होके, और 25,000 से लेके 30,000 के बीच में इसका प्राइस रहने वाला है। दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ये पोको का फोन हो सकता है, जो कि आपको पता है GT4। आप दोस्तों देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है, वैसे काफी जबरदस्त होने वाला है। इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 हो सकता है, और दोस्तों इसके अंदर 6.6 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले हो सकती है। इसके अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलने वाली है, कर्व डिस्प्ले नहीं है दोस्तों। और दोस्तों Realme के पैड मिनी, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन निकल के आई है, लीक हुई है बेसिकली दोस्तों, बता दूं। दोस्तों ये जो पैड आ सकता है इसके अंदर यूनिसॉक का प्रोसेसर आपको मिल सकता है, यूनिसॉक का T606। अब दोस्तों आपको बता दूं ये प्रोसेसर सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसका प्राइस जो है अंडर 10,000 रहेगा नहीं असल में। और दोस्तों इसके अंदर 6400 mAh की बैटरी रहेगी। आपको बता दूं इसके अंदर आपको रियर साइड में 8 MP का कैमरा मिलने वाला है। देखते हैं दोस्तों डिस्प्ले कौन सी आती है या फिर कितनी बड़ी आती है। वैसे दोस्तों प्रोसेसर सुन के मुझे सच में इसका प्राइस अंडर 10,000 लग रहा है, पर मुझे लगता है कंपनी जो है अंडर 15,000 में इसे रखेगी, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों न्यू शेड की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रहा है, जो भी iOS यूजर्स हैं वो न्यू शेड के अंदर एक उनके लिए एक नया अपडेट आया है, ऑप्शनल अपडेट है दोस्तों। इसके अंदर आपको सर्वाइवर मिशन मिल जाएगा, बेसिकली दोस्तों एक न्यू स्टोरी मिशन है, उसके अंदर सर्वाइवर मोड वगैरह है, सर्वाइवर पास है आपके पास। आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो इस अपडेट को, नहीं करना चाहते तो आपकी न्यू शेड जो है नॉर्मली चलती रहेगी, और ये रिलीज हो चुका iOS यूजर्स के लिए, तो ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी होती है ऑटो न्यूज़ की, और ऑटो न्यूज़ में सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है मर्सिडीज की तरफ से। दोस्तों मर्सिडीज की AMG EQE 43 और EQE 53, दोस्तों इन दोनों के बारे में कुछ टिप्स निकल के आई है। आपको बता दूं इनके अंदर जो पावर आउटपुट होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वर्जन में है, तो इनकी पावर आउटपुट जो होने वाली है 43 वाले की 475 HP की, और यही बात करूं 53 वाले की तो इसके अंदर आपको जो पावर आउटपुट मिलेगी 686 HP की। दोस्तों इलेक्ट्रिक होने के मामले में काफी ज्यादा पावर है मेरे हिसाब से। इनकी जो स्पीड है 0 to 100 सिर्फ 3.3 सेकंड्स में पकड़ लेती है, दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी स्पीड है। और दोस्तों यही बात करें इनकी बैटरीज की, तो 90.6 किलोवाट के हिसाब से इनकी बैटरी आएगी, और इनकी रेंज एक्सपेक्टेड है 500 किलोवाट की। दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी गाड़ियां निकल जाएंगी। अब दोस्तों यहां पे कंफर्मेशन जो है वो ये बता दूं कि इंडिया के लिए अभी ये कंफर्म नहीं है, इंडिया के लिए हो सकता है अगले साल मर्सिडीज इनको लॉन्च करे या फिर कंफर्म करे, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों फाइनली आज मारुति सुजुकी की बुलेनो लॉन्च हो चुकी है इंडिया में, इनका जो प्राइस निकल गया है 6,35,000 रुपीज। दोस्तों काफी अच्छी गाड़ी निकल गया है, 1.2 लीटर का वही डुअल जेट इनका K10 इंजन जो कि इसके अंदर लगना था, चेंजेस हुए हैं दोस्तों, परफॉर्मेंस एनहांस हुई है, और डिजाइन यहाँ फिर अंदर से इंटीरियर या एक्सटीरियर काफी चेंज हुआ है, तो जो भी लोग इसे ट्राई करना चाहते हो इसे कर पाएंगे। और दोस्तों इसकी प्राइस लिस्ट जो है मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं, तो आप लोग चेक कर लीजिए। और दोस्तों अगला प्लेट निकल के आ रहा है टाटा की तरफ से, टाटा की नेक्सॉन पंच या फिर हैरियर या फिर सफारी, इनका काजीरंगा एडिशन आना था, मैंने आपको बताया था दोस्तों, फाइनली आज ये लॉन्च हो चुका है इंडिया में। और दोस्तों अलग अलग प्राइसेस वगैरह निकल के आए हैं इनके, तो मैं इतना बता सकता हूं आपको, आप लोग शोरूम से कॉन्टेक्ट कीजिए, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इंजन में ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ वन हॉर्न राइनोसोरस के हिसाब से इसका नाम रखा गया है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से, इन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप कर ली है ईवी चार्जर्स को सेटअप करने के लिए। और दोस्तों इन्होंने कहा है कि पहले ये 9 सिटीज के अंदर शुरू करेंगे इनको, और इसमें दिल्ली और बेंगलोर में सबसे पहले शुरू करेंगे, देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों होंडा की तरफ से आज एक नई बाइक इंडिया में इसको रजिस्टर किया गया है, दोस्तों इसका पेटेंट फाइल किया गया बेसिकली,
ये है एंटी 1100। दोस्तों काफी अच्छी बाइक है, आपको बता दूं इसके अंदर 1084 सीसी का इंजन आने वाला है। काफी ज्यादा अच्छा इंजन है, काफी बड़ा इंजन है और काफी अच्छी आउटपुट भी मिलेगी आपको पावर की। अभी दोस्तों यहां पे बात करें हम इसके प्राइस की, तो एक्सपेक्टेड प्राइस है इसका 1200,000 और समथिंग से स्टार्ट हो सकती है दोस्तों, क्योंकि 1200,000 20,000 लगा लीजिए आप दोस्तों, तो काफी क्योंकि बहुत हैवी बाइक है। देखते हैं दोस्तों कब तक ये लॉन्च होती है। तो दोस्तों आज के टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट्स यहीं पे होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।